बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त है और इसमें मैं आपके साथ हॉट क्रीमी कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी दो तरीके से। और इसके लिए हमें कॉफ़ी चाहिए, पानी चाहिए, गर्म और चीनी चाहिए और बिल्कुल तैयार, जल्दी झटपट हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 1.5 टेबल स्पून शुगर ले लिया, यानी कि 1 फुल टेबल स्पून लिया और 1/2 लिया। और सेम क्वांटिटी में ही मैं 1.5 टेबल स्पून जो है वो कॉफ़ी ऐड कर दूंगी। अगर आप लोग ज़्यादा पीना चाहते हैं, ज़्यादा चीनी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। दूध में भी आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं। और हमने बॉयल करने के लिए दूध रख दिया है, जिसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली है। उसको अब हम बॉयल होने के लिए रख दिया है ताकि जब तक हमारी क्रीमी जो है ना कॉफ़ी रेडी हो तो हमारा दूध भी रेडी हो जाए। अब हम इसमें गर्म पानी भी ऐड कर लेंगे। इतना ही मैंने, जितनी क्वांटिटी में चीनी ली है उतनी ही कॉफ़ी ली है। गर्म पानी हम साथ साथ ऐड करते जाएँगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और इसको हम पेस्ट के बनाने के लिए जो है चम्मच से इसको घुमाते जाएंगे। आपके पास फोक है, आपके पास विस्क है, जो भी आपके पास है आप उसे रेडी कर सकते हैं। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारे पास क्रीमी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ मैंने 1 कप के हिसाब से ली है। आप अगर ज़्यादा कॉफ़ी बना रहे हैं तो आप ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ही ऐड करेंगे। अब हमने कप में उसको डाल दिया है। दूध हमारा बॉयल हो चुका है और हम इसमें जल्दी से झटपट जो गर्म दूध है ना वो ऐड कर देंगे। बहुत हॉट मिल्क ऐड कर रही हूँ मैं। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि हॉट मिल्क ही ऐड करना है ये, क्योंकि हमारी हॉट क्रीम कॉफ़ी है। तो अब हम इसके अंदर फिर थोड़ा सा मैंने मिक्सचर डाल दिया है कॉफ़ी का और साथ ही मैंने दूध ऐड कर दिया है। और उस थोड़ा सा ये देखें हमारे पास क्रीम बच गई थी, तो जो कॉफ़ी का मिक्सचर है वो बच गया था, वो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और लगा दूंगी और गार्निशिंग कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर कॉफ़ी के ही ग्रैनुल्स को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था और ये हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल टाइम नहीं लगता, झटपट रेडी हो जाती है। और दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, उसमें आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। एक बॉटल ले लें, एम्प्टी बॉटल ले लें, उसका कैप हटा दें। और अगर आपके पास फैनल नहीं है, यानी कि वो टूल जिससे हम तेल या दूध या कोई भी चीज़ डालते हैं बॉटल में, वो नहीं है, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, पेपर का भी बना सकते हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया है। क्वांटिटी हमें 1.5 टेबल स्पून ही चाहिए। 1.5 टेबल स्पून ही मैंने इसमें शुगर ऐड कर ली है। थोड़ा सा मैसी हो रहा है ये, लेकिन आप इसको कागज़ का बना के थोड़ा सा हार्ड पेपर ले कर उससे आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पानी भी गर्म डाल दिया था। अब जो है ना ट्रिक वो ये है, इसको आपने शेक करना है, बस 2 से 3 मिनट शेक करना है और एक यमी सी कंसिस्टेंसी ये देखें हमारी रेडी हो गई है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं बचता और ये एक फॉर्म, क्रीमी सी फॉर्म हमारे सामने आ गई। देखें इसमें से ना निकालना भी मुश्किल हो रहा है। और इसको प्रेस करें, कप में 1/2 कॉफ़ी डालें और अब हम इसमें बाकी मिल्क ऐड कर देंगे और ये झटपट रेडी हो जाती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। दोबारा बाकी मिल्क ऐड करने के बाद हमने जो है वो बाकी इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करनी है और ये हमारी कॉफ़ी रेडी है। इसको बताइए कैसी लगी है। और बिल्कुल टाइम नहीं लगता और एक तो वो झंझट जो आप इसको फोक से फेंटते हैं वो उससे भी बच जाते हैं और आपकी कॉफ़ी रेडी हो जाती है झटपट। बताइएगा कैसी लगी दोनों तरीके और ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर के साथ इसको मैं ऊपर ग्रैनुल्स के साथ स्प्रिंकल कर दूँगी। और अल्लाह हाफिज़।